हमारी सहयोगी शिखा ने अभिनेत्री एकता कौल से की खास बातचीत। इस वक्त हमें कानपुर बिनारा रोड के हेवल्स शोरूम के उद्घाटन पर जहां पर हमारे साथ हैं खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस एकता कौल जी। ये बताइए कि आपको सबसे पहले कानपुर में आके कैसा लगा? आप पहली बार कानपुर आई हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ और आके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सबने मेरा वेलकम किया और हमने यहाँ स्टार्ट किया एक नया शोरूम एक कानपुर की डेवलपमेंट के लिए, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जम्मू कश्मीर से हैं और वहाँ की खूबसूरत और शांत वादियों से मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पर भागम भाग भरी जिंदगी होती है, तो कितना डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस तो बहुत था। हाँ जी, जैसे आप बोल रहे हो जम्मू बहुत शांत है और बॉम्बे इज ऑलवेज रनिंग, मतलब वहाँ पे हर कोई काम करता है 24 घंटे, पर दोनों जगहों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे जम्मू में मेरी फैमिली है तो मेरा दिल वहाँ है, पर ये मेरी कर्म भूमि है तो मेरा मन यहाँ है। तो बट टाइम लगा एडजस्ट करने में, पर हो गई, मज़ा यहाँ भी उतना ही आ रहा। अच्छा, आप बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी कि अचानक से इस इंडस्ट्री में आई हैं? जी, मैं बचपन से नहीं बनना चाहती थी, मैं अचानक से इंडस्ट्री में आ गई। मेरी जर्नी ना आपको बताती हूँ, बहुत मैजिकल रही है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी की, फिर मैंने MBA किया और उसके बाद मैं नेस्ले के साथ थी। जब मैं बॉम्बे ट्रांसफ़र हुई, आई वॉज वर्किंग विद नेस्ले और वहाँ पे काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, तो मैंने ट्राई किया और क्लिक हो गया। इससे पहले ब्यूटी पेंशन में भी हिस्सा लिया? नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप सीधे सीरियल्स में आपने काम करना शुरू किया, आपने कई सीरियल्स किए हैं और आपने झलक दिखलाजा भी किया है, तो डांस का इसका मतलब डेफिनेटली आपको शौक होगा? जी, डांस का शौक हाँ था, थोड़ा बहुत था, पर झलक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मुझे मौका मिला डांस सीखने का, रादर देन मैं उसको कुछ और नहीं बट एज ए लर्निंग स्टेप लूंगी, जहाँ पे मैंने डांस सीखा, परफॉर्म किया इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने, तो हाँ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी आपके आगे के कोई फ्यूचर प्लान्स हैं? क्या आप कोई फिल्में भी कर रही हैं? जैसा कि होता है कि जब सीरियल्स करते हैं तो एक्ट्रेसेस आगे फिल्मों में भी काम करती, तो आगे कोई ऐसा प्लान है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, अभी तक तो मैं मेरंगने में कर रही हूँ स्टार प्लस के लिए, तो मेरा पूरा फोकस और पूरी डेडिकेशन और पूरा टाइम वहीं जाता है, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली मैं ट्राई करना चाहूंगी, पर फिलहाल अभी मेरा जो फोकस है वो मेरे अंगने पर है। और आगे की आपके फ्यूचर प्लान्स? बस अभी फिलहाल आप सीरियल्स में, इसके अलावा आपका कोई सीरियल और है और होने वाला है? नहीं, एक ही कर सकते हैं ना, तो दिस इज द रियलिटी शो करें, पाइपलाइन में है, पर देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो ये थी हमारे साथ ब्यूटीफुल और पॉपुलर एक्ट्रेस एकता कौल जी, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वो पूरा फोकस टीवी सीरियल्स में दे रही हैं और अगर आगे उन्हें मौका मिलता है तो जरूर फिल्मों में काम करना चाहेंगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिखा शुक्ला, के न्यूज़।